हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। लास्ट के टॉपिक में हमने ये जाना है अभी तक कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसके लिमिटेशन है, क्या नेचर है, क्या ब्रांचेस हैं। अब हमें अकाउंटिंग एक्चुअल में होती कैसे उसको जानने से पहले हम उसके बेसिक टर्म्स देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करते टाइम क्या क्या टर्म्स आते हैं, और हमें समझना है कि वो टर्म्स क्या यूज़ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तभी हम ट्रांजैक्शन अच्छे से कर पाएंगे, रिकॉर्ड अच्छे से कर पाएंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो क्या है, पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमें जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो किसके होंगे, बिजनेस के होंगे ना। अगर बिजनेस मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में एंटर कर रहा है, तो वो हमारा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया जिसको हम रिकॉर्ड करना है, ताकि आगे जाके हम डिसाइड कर पाए कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ था और इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो ये भी जो भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस एक दिन में करता है, और कितने भी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस ने सामान सेल किया और उसको कैश मिला, तो दो टर्म्स हैं, एक हमारा सेल्स में जाएगा और दूसरा कैश रिसीव्ड में आएगा। तो ये जो दो हेड हैं ये हमारे अकाउंट में क्या अफेक्ट होंगे। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा है अकाउंट। अकाउंट मतलब एक ऐसे छोटे छोटे हेड हम बनाते हैं ताकि हम रिकॉर्ड कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे प्रीमाइसिस में किसी बिजनेस के प्रीमाइसिस में नीना नाम की लड़की है जो कि एम्प्लॉई है, जिनको हम सैलरी पे करते हैं। अब हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो सैलरी पेड, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे ना, तो सैलरी पेड टू हूम, सैलरी पेड टू नीना। तो नीना का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं ताकि हम हर महीने उसका ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड कर पाएँ, और सैलरी पेड भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब हम सैलरी नहीं देते, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, कमीशन हमें रिसीव होती है, हमें रेंट पे करना होता है, या कभी रेंट रिसीव होती है, या हमें कैश रिसीव हो रहा है, या अगर हम सो एंड सो किसी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो अलग अलग नाम, अलग अलग हेड हम क्रिएट करते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ था। उस अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं उस पर्सन या उस पर्टिकुलर थिंग के नाम का, उसको बोलते हैं अकाउंट। उसके बाद आता है कैपिटल। अब ओनर ऑफ द बिजनेस कभी भी पैसा या कुछ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं उसका कैपिटल। फॉर एग्जांपल, इन टर्म्स ऑफ मनी में कर रहा है, या लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वो जो भी ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट करता है कैपिटल में, उसको बोलते हैं उसका कैपिटल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं कैपिटल में तो उनको शेयर होल्डर बोल देंगे ना, जैसे पार्टनरशिप होता है तो हर किसी का शेयर होता है, तो जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उनका शेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस ओपन कर रही हूँ और मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट और वो प्रीमाइसिस भी मेरा है, तो वो दोनों मिला के मेरा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, तो हमने ये पढ़ा है कि बिजनेसमैन से उसका जो बिजनेस, जब बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है तो उसकी अलग से सील एंड साइन बन जाती है, तो बिजनेस की आइडेंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। तो बिजनेस एक अदर पर्सन है और ओनर अदर पर्सन है, ओनर भी डायरेक्टली वहाँ से सैलरी ही ले रहा है वो काम करने की। तो अगर फॉर द पर्सनल यूज़ या पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ओनर अगर बिजनेस में कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, फॉर एग्जांपल उसको साइकिल खरीदनी है या फ्रिज खरीदनी है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का टर्म बहुत ईजी है, या कर्जा बोल सकते हैं, या ओ, अगर कोई बिजनेस किसी का पैसा ओ कर रहा है जिसको बिजनेस को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी सामान से, किसी एजेंट से सामान खरीदा, मेरा एक बिजनेस है, तो अब मुझे उसको पैसा देना, तो मेरी लायबिलिटी कौन हो गया, राम। फॉर एग्जांपल, मैंने राम से सामान खरीदा तो लायबिलिटी मेरी राम हो गई, क्योंकि मुझे राम को पैसा देना है। तो जब तक हम उसको पे नहीं करते तो वी आर लायबल टू पे दैट पार्टिकुलर पर्सन, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। अगर इंटरनली इन बिजनेस में अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या किसी से लायबल हैं पे करने के लिए, तो उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। और एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल हमें क्रेडिटर्स, बैंक या किसी को भी एजेंट को पैसा पे करना है, तो वो सारी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगी। लायबिलिटी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होती है करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एजेंट से मैंने सामान खरीदा, अब आई एम लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर पर्सन, मैंने उसको पे कर दिया, चाहे 1 मंथ चाहे 2 मंथ, मुझे पे करना था मैंने कर दिया, तो अब वो मेरी लायबिलिटी नहीं रही क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की थी, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, जो कि जैसे ही मैं पे करती हूँ वो खत्म हो जाती है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोन लिया है बैंक से और वो लोन मैंने अच्छा अमाउंट में लिया है, तो उसको पे करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो वो आएगी मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटी, जो कि अब मैं लाइबल हूँ गवर्नमेंट को, बैंक को पे करने के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आता है एसेट।
एसेट का मतलब वो होता है कि बिजनेस में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमें इन रिटर्न दे रहा है, मॉनिटरी टर्म्स में इकोनॉमिक रिटर्न दे रहा है, वो हमारा एसेट हो जाता है। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैं, ये मेरा एसेट हुआ ना, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग से अर्न कर रही हूँ। अगर ये बिल्डिंग नहीं होती, ये प्रेमाइसिस नहीं होता, तो क्या मुझे अर्निंग मिलती, क्या मैं अपना बिजनेस रन कर पाती? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन हो गई, मशीन मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तभी तो मुझे पैसे आ रहे, तो वो मशीन भी मेरे लिए क्या होती है, एसेट हो गई। तो कोई भी ऐसा सामान जो किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिटर्न दे रहा है, उसको बोलते हैं एसेट। एसेट भी अब दो कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि करेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्ड्स, शेयर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ये सारे जो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी है, जो मुझे मिला है, वो मेरे को लॉन्ग टर्म पर्पस सेव करेगा। जैसे कि मशीनरी है या लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गई, ये सब लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, जो मुझे लंबे समय तक इंटरेस्ट या रिटर्न देगा, वो मेरा नॉन करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट मतलब फॉर एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब मेरे करेंट एसेट हो जाते हैं, जिनको मैं कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। अभी वो फिक्स्ड हैं, लेकिन मैं उनको कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। उसके बाद आता है, जैसे कि करेंट एसेट में मेरा स्टॉक भी आ सकता है, वो स्टॉक अभी मेरा एसेट है, ठीक है। अब मैं अगर उनको बेचूंगी तो मेरे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब वही आपकी मशीनरी हो गई, आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, जो कि फिक्स्ड है और लंबे समय तक आपको रिटर्न देगा। फिक्स्ड एसेट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट होते हैं जिनको वो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड सो ऑन सो, मशीनरी, ये टेंजिबल एसेट है जिनको आप टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट मतलब बहुत सारे एसेट होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी गुडविल, आपके पब्लिक रिलेशन, ये सारी जो है जो इनटेंजिबल एसेट है, कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। गुडविल अगर कंपनी की अच्छी है तो वो लॉन्ग समय तक वो मार्केट में टिका रहेगा। इट इज़ अ टेंजिबल, क्योंकि इट इज़ इनटेंजिबल और इट इज़ एन एसेट, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली बिजनेस को इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक टर्म्स आगे अकाउंटिंग को समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ भी बेसिक टर्म्स जानेंगे, उसके बाद ऑल ओवर हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।